विक्की भैया ने अपना कौशल दिखा दिया। मेघना गुलजार नहीं कर पाई फिल्म के साथ इंसाफ। ये फिल्म सैम मानेकशॉ के जीवन की विंडो शॉपिंग है। ये फिल्म देखने के बाद मुझे तो यकीन हो गया कि विक्की कौशल बने हैं मसान, सरदार उधम सिंह, राजी जैसी मूवीज करने के लिए, ना कि वो बने हैं द ग्रेट इंडियन फैमिली और जरा हटके जरा बचके, और साथ में वो कौन सी मूवी आई थी, गोविंदा मेरा नाम, ऐसी मूवीज में रोल प्ले करने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाटकल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रणबीर भैया माफ कर दीजिएगा, लेकिन पहले सैम बहादुर देखी जाएगी। फिल्म को देखकर आ चुकी हूं और आपको बताने वाली हूं कि फिल्म की कहानी कैसी थी और फिल्म में किसने मेरा दिल तोड़ दिया और किसने मेरा दिल जीत लिया। अगर कोई मुझसे सिर्फ एक लाइन में पूछे कि सैम बहादुर कैसी थी, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि विक्की भैया ने अपना कौशल दिखा दिया। सैम बहादुर के किरदार को जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदर ढाला है, उससे हमें ये फील करा दिया कि सैम बहादुर का किरदार उन्होंने स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। वैसे इस फिल्म की कहानी को कहानी कहना कहानी वर्ड की तोहीन होगी, क्योंकि सैम बहादुर के जन्म से लेकर 1971 तक की जंग तक ये पूरी की पूरी स्टोरी है। किस तरीके से उनका नाम साइरस से सैम पड़ा और पार्टीशन के टाइम पर वो क्या कर रहे थे, कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने क्या रोल निभाया, एंटी नेशनल कहे जाने पर इंक्वायरी उन पर क्यों बिठाई गई, 1962 में उनके सैंडविच की स्टफिंग कम क्यों होती जा रही थी, अपने फौजी भाइयों के लिए वो किसी भी नेता को झाड़ देते थे, 1971 के युद्ध में अगर वो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल होते तो क्या होता। और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक और चीज पता चली कि वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को स्वीटी कहते थे। फिल्म में दोस्ती का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे फौजी एक दूसरे के साथ हर पल समय बिताते हैं और कैसे सरहद पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ते हैं। इस फिल्म के जरिए आप सैम बहादुर के जीवन के हर किस्से को जान जाएंगे। वो बात अलग है कि सारी चीजें ऊपर ऊपर से दिखाई है, डिटेलिंग में कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। इस वजह से आप फिल्म में कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिरकार फिल्म में चल क्या रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, जिन्होंने इससे पहले हमें छपाक और राजी जैसी बेहतरीन मूवीज के एग्जाम्पल दिए हैं। और साथ ही इस फिल्म को मेघना गुलजार के साथ साथ भवानी अय्यर और शांतनु श्रीवास्तव ने लिखा है। मेघना गुलजार वैसे इस फिल्म में बॉलीवुड मसाला डालना भूल गई है। फिल्म में कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं है जिसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मैं कहूं कि देशभक्ति मेरे अंदर कूट कूट कर भर जाए, ऐसा एक भी डायलॉग नहीं है। जैसे उरी मूवी के टाइम पर हमें ये वाला डायलॉग सुनने को मिला था और हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। और इस तरीके के डायलॉग ना होने की वजह से ये इस बात का सबूत है कि फिल्म को लिखने में बहुत कम मेहनत की गई है। इस फिल्म में अगर किसी ने मेहनत की है तो वो सिर्फ विक्की कौशल है। विक्की कौशल आपको थिएटर की स्क्रीन से चिपकाए रखता है और दिखाता है कि वो अपने टैलेंट के तराशने को उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। सैम मानेकशॉ के किरदार को उन्होंने इस तरीके से अडॉप्ट किया है कि आपको लग ही नहीं सकता कि भाई ये सैम नहीं है। मतलब उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका और किस तरीके से वो लोगों पर अपना इम्पैक्ट छोड़ हैं, हर चीज विक्की कौशल ने यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट की है। And I want to win. फिल्म में सानिया मल्होत्रा भी हैं जो सैम मानेकशॉ की वाइफ का रोल प्ले करती हैं। नो डाउट उनकी एक्टिंग दमदार थी, लेकिन उस तरीके के उन्हें डायलॉग ही नहीं दिए गए मूवी में जिससे कि वो अपना एक अलग इंपैक्ट छोड़ पाती। तो यहां पर मुझे एक बार फिर से राइटिंग की कमी लगती है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। अगर उन्हें और अच्छे डायलॉग दिए जाते और उनके कैरेक्टर को और ज्यादा डेवलप किया जाता तो शायद वो एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़कर जाती। इसके अलावा फिल्म में प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी का रोल प्ले करने वाली फातिमा सना शेख, इनसे मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने कैरेक्टर को डेवलप किया है और पोर्ट्रे किया है, उससे मेरा दिल इन्होंने जीत लिया है। फिल्म में इनके कुछ खास डायलॉग नहीं है, लेकिन जिस तरीके के एक्सप्रेशन इन्होंने दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक अलग ही लेवल की एक्ट्रेस बनकर निकल सकती हैं। ये फिल्म करीब 2.5 घंटे की है। फर्स्ट हाफ की बात करूं तो वो काफी स्पीडली जाता है और सेकेंड हाफ काफी स्लो हो जाता है। फिल्म के म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक गाना है लास्ट में जाकर बढ़ते चलो, ये गाना जो है गुलजार साहब ने लिखा है और मेरे रोंगटे खड़े कर देता है थिएटर में ये जब ये गाना प्ले होता है। और साथ ही साथ फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी काफी बढ़िया काम किया गया है। बाकी फिल्म के क्लाइमेक्स की अगर मैं बात करूं तो उससे मैं थोड़ी सी नाखुश हूं यार। मतलब वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा ड्रामेटाइज चीजें की जा सकती थी, थोड़ा सा उसमें और जोश भरा जा सकता था। यहां पर डायरेक्टर साहब थोड़ी सी मार खा गई और सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर में कुछ चीजें थी जो दिखानी जरूरी थी और वो मिस कर गई। जैसे कि उनके कॉलेज डेज के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया, जंप होके सीधा वॉर पर कहानी चली जाती है। इसके अलावा उनकी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन थे
वो सारी चीजें नहीं दिखाई गई। दिखाया गया तो सिर्फ ये कि सैम ने कितने युद्ध लड़े, सैम ने कितनी पार्टीज अटेंड की और सैम की पोस्टिंग कितने शहरों में हुई। तो लास्ट में भैया सिर्फ इतना कहना है कि विक्की भैया फिल्म में एक बार ये कहते हैं कि अगर कोई आर्मी पर्सन आपको सैल्यूट कर रहा है तो दूसरे आर्मी पर्सन को भी उसे सैल्यूट करना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं विक्की कौशल की बात कर रही हूँ, तो उसे स्क्रिप्ट भी उसी हिसाब की देनी चाहिए। विक्की कौशल ने सैम बहादुर के रोल के साथ बहुत बढ़िया तरीके से जस्टिस किया, उनसे अच्छा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता था। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप ये मूवी सैम बहादुर के लिए यानी कि हमारे विक्की कौशल के लिए देख सकते हैं। मिलूंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और आपको कल दूंगी एनिमल का रिव्यू, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिल्मी जाट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।